हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक इन सिविक्स क्लास। आज हम लोग चैप्टर 4 को कंटिन्यू करने वाले हैं, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें से जेंडर रिलीजन तो ख़त्म हो गया था, अब कास्ट हम लोग देख रहे हैं। तो आज लास्ट क्लास है इस चैप्टर का। पॉलिटिक्स इन कास्ट को हम लोग आज देखने वाले हैं कि पॉलिटिक्स क्या करती है कास्ट के साथ, इस चीज़ को हम लोग आज समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस द कास्ट सिस्टम एंड कास्ट आइडेंटिटीज बाय ब्रिंगिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरेना। अब इसमें जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात की गई है, तो कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटी दोनों को पॉलिटिक्स जो है वो इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है इन दो चीज़ों को, कास्ट सिस्टम को और कास्ट आइडेंटिटी, दोनों चीज़ों को प्रभावित करती है पॉलिटिक्स। इसको प्रभावित करने के लिए क्या करती है, ब्रिंग देम इनटू पॉलिटिकल एरिना, उन कास्ट को पॉलिटिकल एरिना में ले करके आती है, यानी पॉलिटिकल एरिना का मतलब राजनीतिक दायरा, एक दायरा जो है राजनीति का, उस पॉलिटिकल एरिना में वो कास्ट को ले करके आती है, और लेकर आने से उन कास्ट की, कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटी उनकी मजबूत होती है। इसलिए कास्ट का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, इट इज़ द कास्ट दैट गेट पॉलिटिसाइज्ड। इसमें कहना ये चाह रहे हैं हम लोग कि इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ये नहीं करती है कि वो कास्ट को इन्वॉल्व करे, कास्ट खुद चाहती है, कास्ट का ये खुद का इम्पोर्टेंस होता है, वो चाहती है कि वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाए। तो पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को लेकर नहीं आती है, बल्कि कास्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाती है। क्यों जुड़ती है, वो चाहती है कि कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटी उसके कास्ट को मिले, और इसके लिए वो अपना राजनीतिक दायरा बड़ा करती है। तो राजनीतिक दायरा को बड़ा करने का काम जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कास्ट के उस पॉलिटिकल एरिना को क्रिएट करते हैं जो उनकी आइडेंटिटी को एक नेशनल लेवल पर ले जाती है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं कास्ट के, और उनके कास्ट को इम्पोर्टेंस मिले, और जो बेनिफिट्स हैं वो उस कास्ट को मिले, इसलिए कास्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज से मिलती हैं, और एक पॉलिटिकल पार्टीज फिर उस कास्ट को लेकर एक बड़ा सा राजनीतिक दायरा तैयार करती हैं, जिसमें बहुत सी बातें होती हैं जिनको हम लोग अभी देखेंगे। तो मुख्य तौर पर ये समझना है कि पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस करती है कास्ट सिस्टम और कास्ट आइडेंटिटी को, किसी भी कास्ट के जो सिस्टम है उसको, और प्लस कास्ट की आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है, इसलिए और उनको क्या करती है, राजनीतिक दायरे में लेकर के आती है। इट इज़ नॉट पॉलिटिक्स दैट गेट कास्ट रिडन, पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को लेकर के नहीं आती है, कास्ट खुद पॉलिटिक्स के पास चली जाती है, किस लिए, अपनी आइडेंटिटीज़ के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए, और वो चाहती है कि उनका दायरा बड़ा हो और उनको एक पॉलिटिकल मजबूती, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी और कास्ट आइडेंटिटी उनकी बढ़े, इसलिए कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ जाती है। अब चूंकि हम लोगों ने उद्देश्य समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझ लिया, कि ऑब्जेक्टिव क्या है, बड़े राजनीतिक दायरे को बनाना, टू मेक ए बिग पॉलिटिकल एरिना, ये कास्ट का पॉलिटिक्स से जुड़ने का मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है पॉलिटिक्स से जुड़ने का कि कास्ट चाहती हैं कि उनकी आइडेंटिटी और उनको जो मिलने वाले बेनिफिट्स हैं वो उस कास्ट को मिले, इसलिए वो चाहती हैं कि पॉलिटिक्स में
या वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाती हैं जिससे उनका दायरा बड़ा हो जाता है। तो दायरा को बड़ा करने के लिए, पॉलिटिकल एरिना को बड़ा करने के लिए फिर पॉलिटिकल पार्टी उस पर काम करती है, और वो काम जो है वो अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या काम, कैसे वो पॉलिटिकल कास्ट के पॉलिटिकल एरिना को डेवलप करते हैं इन पॉलिटिक्स, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर, जैसा कि मैंने बताया पॉलिटिकल एरिना बढ़ाने का ऑब्जेक्टिव है। ईच कास्ट ग्रुप, जो भी कास्ट है वो ये चाहती है कि टू बिकम बिगर बाय ज्वाइनिंग, सबको मिलाने के, ज्वाइनिंग नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वेयर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम इट, जो भी किसी कास्ट के सब कास्ट हैं उनको जोड़ना, प्लस जो छोटे छोटे जात हैं एक बड़ी जात मिल करके, बड़ी कहने का मतलब इन पॉपुलेशन है ना, जो एक पॉपुलेशन में ज़्यादा है कास्ट, वो छोटे छोटे जिनका पॉपुलेशन कम है उन कास्ट को मिला के एक बड़ा ग्रुप तैयार करना, ये उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हो जाता है। किनका? पॉलिटिकल पार्टीज़ का। पॉलिटिकल पार्टीज ही ये काम कर सकती हैं, कोई एक कास्ट नहीं कर सकता है इस काम को। इस काम को करने के लिए उनको पॉलिटिकल पार्टीज में मिलना पड़ता है, जहां वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छी है और उनके कास्ट की बात को समझेगी, उससे वो लोग जुड़ते हैं। जैसा कि यहाँ बताया कास्ट जुड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज अपने एरिना को बड़ा करने के लिए, तो और एरिना को बड़ा करने का काम किसका है? पॉलिटिकल एरिना को, वो पार्टीज़ का काम है, पॉलिटिकल पार्टीज इस काम को करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं कि छोटे छोटे कास्ट ग्रुप को, और उसमें एक कोई बड़ा कास्ट ग्रुप इन पॉपुलेशन बताया जा रहा है, उनको क्या करती हैं एक जगह गैदर करना शुरू करती है और एक बड़ा कास्ट का एरिना तैयार करती हैं। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव, कास्ट का ऑब्जेक्टिव है, जिसको फुलफिल कौन करता है? पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती हैं। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर इन कोएलिशन विथ अदर कास्ट टू इंटर इनटू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशंस। अब इसमें क्या होता है कि वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो है वो, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो क्या करते हैं, मिल कर के एक कोएलिशन तैयार करते हैं, गठजोड़, जिसको हम लोग कोएलिशन कहते हैं, है ना, वो कोएलिशन तैयार करते हैं, सबको मिला करके एक ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप बड़ा हो गया, अगर छोटी छोटी पॉपुलेशन में कई कई कास्ट हैं उनको अगर एक जगह गैदर कर दिया जाए और एक ग्रुप बना दिया जाए तो वो पॉपुलेशन में बड़ी हो जाती हैं। और हम जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉपुलेशन का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना, जो मेजोरिटी में होगा, जिसके पास संख्या बल ज़्यादा होगा, जिसके पास नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा होंगे, उनकी बात, क्योंकि क्यों ऐसा है, क्योंकि वोट है, वन पर्सन वन वोट है, तो हर वोट काउंट करता है इन पॉलिटिक्स। तो इसलिए वेरियस कास्ट ग्रुप्स जो है वो मिल करके एक बड़ा कोएलिशन तैयार करती हैं, एक बड़ा ग्रुप तैयार करते हैं। तो ये कास्ट नहीं तैयार करती, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ मिलकर तैयार करती हैं। कास्ट में तो कोई लीडर है नहीं जो सब कास्ट को जोड़ेगा, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी से सारे कास्ट जुड़ जाते हैं और वो पॉलिटिकल पार्टी एक बड़े ग्रुप की तरह बन जाती है। और जब उनके पास एक बड़ा ग्रुप बन जाता है, दे इंटर इनटू डायलॉग्स एंड नेगोशिएशन, अब वो आपस में एक सहमति डायलॉग करते हैं और निगोशिएट करते हैं कि क्या उनके डिमांड्स होने वाले हैं, क्या चीज़ें वो आगे चलकर मांगने वाले हैं और कौन सी बातें उनकी रहेंगी उनके एजेंडा में, ये सारी बातें तय होती हैं कोएलिशन बनने के बाद। जब ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं पार्टीज़ के, छोटे छोटे कास्ट मिलकर एक बड़ा ग्रुप तैयार कर लेते हैं, तो सभी कास्ट के प्रिफ्रेंस को देखते हुए एक बड़ा सा उसका उसको कैटेगराइज किया जाता है, डायलॉग्स होते हैं, निगोशिएशंस होते हैं, आगे पीछे करके बातों को तय किया जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि जो भी ग्रुप्स तैयार हो रहे हैं ये कौन कर रहा है, ये पॉलिटिक्स के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज कर रहे हैं। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स इंटर इन द पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एरिना। अब हम लोग देखते हैं कि नए नए टाइप के पॉलिटिकल ग्रुप्स तैयार हो जाते हैं, जैसे कि लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। हम लोगों ने देखा है कुछ पिछले कुछ वर्षों में, क्या लगभग
70s से ये चीज़ें चल रही हैं, तो हम लोगों ने देखा है कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड ये आर्टिफिशियल ग्रुप है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इसका, लेकिन एक नाम दे दिया गया। कुछ अपने सुविधा के अनुसार पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ कास्ट को फॉरवर्ड कास्ट में डाल दिया और कुछ को बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया, और दो भागों में, बड़े बड़े भागों में पूरे कास्ट सिस्टम को डिवाइड कर दिया। कुछ लोग बैकवर्ड में आ गए और कुछ लोग फॉरवर्ड में आ गए। तो असल में ऐसा कोई बैकवर्ड और फॉरवर्ड चीज़ नहीं है, बट उनको स्पेसिफाइड कर दिया गया कि ये कास्ट जो है वो बैकवर्ड ग्रुप में आएंगे और ये कास्ट जो है वो फॉरवर्ड कहे जाएंगे। तो ये एक आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा बनाया गया ग्रुप है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास जब कास्ट जाती हैं कि उनको एक बड़ा एरिना मिले, तो वो किस तरह से अपने दायरे को पॉलिटिकल पार्टीज़ कास्ट को लेकर डेवलप करती हैं, इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब ये हम लोग समझ गए कि ऐसा बड़ा बड़ा ग्रुप तैयार हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और उस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई। तो इस पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ऑन सोसाइटी, इसको ज़रा हम लोग देख लें। इसमें दो हमने पॉजिटिव लिया है और दो निगेटिव बातों को भी शामिल किया है, तो आइए देखते हैं। पहले पॉजिटिव को देखते हैं हम लोग। डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स गेट पॉलिटिकल अटेंशन। जो कास्ट डिसएडवांटेज थे, जिनको एडवांटेजेस नहीं मिल पाई थी अभी तक समाज में, सोसाइटी में, उनको ऐसे ग्रुप्स तैयार करके पॉलिटिकल अटेंशन उन कास्ट को मिला, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता, और ये उन कास्ट ग्रुप के लिए फायदे की बात रही है। दलित एंड ओबीसी, ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, दलित जो एकदम जैसे कि जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था, वो दलित में आ जाते हैं, और बाकी जो बैकवर्ड ग्रुप यहाँ कहा गया है, बैकवर्ड का दो विभाजन है, एक तो दलित हो जाते हैं, एक ओबीसी हो जाते हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट। तो अदर बैकवर्ड का दलित एंड अदर बैकवर्ड कास्ट गॉट एसेस टू डिसीजन मेकिंग। अब जो भी डिसीजन मेकिंग हो रहा था उनमें अब इनका पार्टिसिपेशन शुरू हो गया, जब ये कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हुई उस समय से इनका जो है डिसीजन मेकिंग में, कोई भी डिसीजन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ लेती हैं उन डिसीजंस में इनकी शेयर होने लगी, उन पे अटेंशन होने लगा, उनकी बातों को सुना जाने लगा और उनकी बातों को रखा जाने लगा और उनकी बातों को डिसीजन भी उन पे लिए जाने लगे। तो ये दो फायदे मुख्य तौर पे हम लोग इस कास्ट सिस्टम जो था उस पे जब पॉलिटिक्स हुई, तो ये दो एडवांटेजेस हमारे जो कास्ट हैं उनको मिला। अब हम लोग देखते हैं कि दो निगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं। इट ड्राइव्स द डिवाइड्स द सोसाइटी। अब ये तो अंतर हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एक डिवीज़न जो है वो समाज में देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो पहला निगेटिव चीज़ यही है कि इट डिवाइड्स द सोसाइटी, इससे एक डिवीज़न देखने को मिलता है सोसाइटी में। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ देखा बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो ग्रुप में बांट दिए गए लोग। दूसरी चीज़ देखते हैं कि इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम द अदर प्रोसेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। जैसे ये जो कास्ट सिस्टम है वो डाइवर्ट कर देता है अटेंशन को फ्रॉम पॉवर्टी, डेवलपमेंट और करप्शन से, माने इन चीज़ों की चर्चा उतनी नहीं हो पाती है और कास्ट सिस्टम उस पर हावी हो जाता है, उस पर भारी पड़ता है। इन और इन चीज़ों की भी बात होनी चाहिए। और इट कैन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है
किस कास्ट डिवीज़न के चलते टेंशन क्रिएट हो जाता है सोसाइटी में, लोगों में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, आपसी झगड़े भी देखने को मिलते हैं, और कभी कभी ये वॉयलेंस का रूप लेता हुआ भी दिखाई हमको देता है समाज में। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास के साथ जब कास्ट जुड़ती हैं और एक बड़ा पॉलिटिकल एरिना क्रिएट करती हैं, तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी आते हैं और कुछ बुरे परिणाम भी आते हैं। तो बच्चों, ये तो था लेसन नंबर 4 जो इस वीडियो के साथ तो समाप्त होता है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग बाद में देखेंगे, और अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।